और इस बीच बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के टोंक में। दो समुदायों के बीच जमकर बवाल हुआ। टोंक के मालपुरा इलाके में दो समुदायों के बीच पथराव हुआ जिसमें कई लोग घायल हुए। बच्चों की आपसी कहा सुनने के बाद ये विवाद बताया जा रहा हुआ है और इस पत्थरबाजी में दो कांस्टेबल भी घायल हुए। दो समुदायों के बीच पथराव की वजह से इलाके में तनाव है। तो टोंक की यह घटना, पथराव से दो कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। दो समुदायों के बीच बताया गया पथराव हुआ और इलाके में तनाव। शरद कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके और अपडेट के साथ। शरद, फिलहाल हालात कैसे? अभी तो हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं क्योंकि दोनों पक्ष की तरफ से जमकर करीब एक घंटे तक वहां पर पथराव हुआ है। दो कांस्टेबल भी घायल हुए हैं, चार लोग घायल हुए हैं। घायल जो लोग हैं, एक समुदाय के गरीब लोग हैं जो कह रहे हैं कि बच्चों की कहा सुनी के बाद वो घर में बैठे थे, महिलाएं थी, चेहरा ढक कर चारों तरफ से हमला करके लाठियों से पीटा गया। उसके बाद जैसे ही दूसरे समुदाय को पता चला तो वो भी उधर से पत्थर लेकर निकले और इस बीच आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पुलिस उन्हें मना रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मगर पुलिस पर भी लगातार पथराव जारी रहा। वहां पर सारे आला अधिकारी कैंप किए हुए हैं। वो मालपुरा का जो इलाका है, टोंक का मालपुरा ये जगह है, वो काफी सेंसिटिव है और अक्सर इस इलाके में सामुदायिक तनाव होते रहते हैं, मगर छोटे से बच्चों के झगड़ों के बीच इस तरह से दोनों समुदायों के बीच तनाव हुआ है। जो जिनकी चोटें पहुंची है उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है और एक दो लोग वापस लौट गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वहां पर पुलिस कैंप कर रही है। गलियों में फिलहाल जो लोग हैं वो वहां से भाग गए हैं।